छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विश्वव्यापी संकट काल में छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था मॉडल बना है। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं करते हुए कहा कि राम वन गमन पथ के विकास में जनता की सहभागिता होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर प्रदेशवासियों को अनेक सौगात दी। उन्होंने कहा कि विद्युत के पारेषण वितरण तंत्र की मजबूती के लिए मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना प्रारंभ होगी। पढ़ई तुहर दुआर में समुदाय की सहभागिता से पढ़ई तुहर प्राचय योजना शुरू होगी। ब्लूटूथ आधारित व्यवस्था ब्लूटूथ के बोल का उपयोग होगा। वार्ड कार्यालयों के बाद अब घर पहुंच सेवाओं के लिए नगरीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू होगी। महात्मा गांधी उद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय, 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा 1 खाद्य तकनीकी एवं प्रसंस्करण कॉलेज खुलेंगे। दुग्ध उत्पादन और मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 3 वशिष्ठ पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोले जाएंगे। बताते चले कि मुख्यमंत्री द्वारा अनेक घोषणाएं की गई तथा सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।